और आखिरकार पूछते पूछते मैं इंग्लिश सिखाने वाले सेंटर पहुंच गई। आज मैंने सोच लिया था अब मुझे इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। वो अंग्रेजी के बारे में बात करनी थी। अच्छा आइए बैठिए। जी मैम बताइए। अंग्रेजी कोर्स के बारे में पता करना था। मैम हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें हम हाउसवाइफ को अलग कोर्स करवाते हैं, स्टूडेंट्स को अलग कोर्स करवाते हैं, प्रोफेशनल्स को अलग कोर्स करवाते हैं। कोर्स किसको करना है? जी मुझे ही सीखनी है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोगों से मिलकर ही लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैम हमारे यहाँ प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ इन सब के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिसमें हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज करवाते हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मेरा बेटा हिंदी बोलना भूल गया है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक साधारण परिवार से रही हूँ, पढ़ी लिखी भी ऐसी हूँ। जब बेटा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगी। मेरे पति ने और मैंने अपना पेट काट काट कर उसके स्कूल की फीस भरी। पैसे बचाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। टमाटर कैसे दिए? ये 40 हैं, ये 25 हैं। 20 रुपए के लगा लो और आधा किलो दे दो। और ये मूली के पत्ते? ये तो आप ऐसे ही ले लो। पता नहीं ये औरत हमेशा सबसे सस्ती सब्जी क्यों खरीदती है। जब मेरा बेटा स्कूल से आता तो मुझे स्कूल की सारी बातें बताता था। पता है मम्मी आज वो 25 दिसंबर को ना हमारे स्कूल में कार्निवल है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े झूले और एक झूला पता है ऐसे ऐसे और हवा में जाते। अच्छा बाद में सुनूंगी मैं, पहले सुनो पहले। हाँ बोल बोल बोल। मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, मम्मी आज स्कूल में वो हुआ। मैं कहती बेटा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बाद में बात कर लूंगी। अरे मम्मी सुनो तो। अरे हाँ मेरी बात। हाँ बोलो। वक्त बदलता गया और वक्त के साथ साथ कब मेरा बेटा बदल गया पता ही नहीं चला। उसकी अच्छी नौकरी लग गई, बस हर वक्त फोन पे गिटर पिटर पता नहीं अंग्रेजी में क्या बात करता रहता है। घर पर उसके दोस्त आते हैं वो भी उससे अंग्रेजी में ही बात करते हैं। अंग्रेजी में बातें करते करते मुझे लगता है मेरा बेटा हिंदी बोलना भूल ही गया है। शायद तभी जब भी मैं उससे हिंदी में बात करती हूँ सुनता ही नहीं। आजा बेटा आज हम दोनों साथ खाना खाएंगे, मैंने तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा मुझे तुझसे बात करनी है। बेटा सुन तो। बेटा इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अंग्रेजी सीख लूं, कम से कम मेरा बेटा 2 घड़ी मुझसे बातें तो करेगा, मेरे पास तो बैठेगा। बचपन में उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद था, मैं उसके लिए बनाती तो कहता चल मैंने तेरी पसंद का हलवा बनाया आज, ठीक है अब तू इसे जल्दी जल्दी खा लेना बेटा, मुझे बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी खा लेना। मम्मी आपको पता है ना गाजर का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप अपने हाथों से मुझे खिलाती हो तो मुझे और अच्छा लगता है। मैं उसको हाथ से खिलाती तो बड़ा खुश होता था। मैंने सोचा चलो अब उसके लिए हलवा बना के देती हूँ, शायद हलवे के बहाने उसे याद आ जाए कि मैं अपनी माँ से कैसे बातें करता था।
मैंने सुबह सुबह उसके लिए हलवा बनाया। बेटा देख ना, मैंने तेरी पसंद का हलवा बनाया। खा ले ना, क्या सारा दिन काम में लगा रहता है। यस सर, ऑल प्रेजेंटेशन आर रेडी। यस सर आई एम कमिंग। अरे बेटा खा के तो देख ले। अरे बेटा सुन तो। मम्मी आपको पता है ना, गाजर का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने हाथों से मुझे खिलाती हो तो मुझे और अच्छा लगता है। फोन पर बातें करता करता ही चला गया, हलवे की तरफ देखा तक नहीं। फिर मैंने सोचा शाम को खिला दूंगी। शाम को आया। अरे बेटा आ गया। फोन पे बातें करते करते उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया कमरे का। तब मैंने ठान लिया अब मैं भी अंग्रेजी सीखूंगी। कम से कम वो उससे बातें तो करेगा। आपसे निवेदन है, आप मुझे जल्दी से जल्दी अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए। मैं अपने बेटे से बातें करे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। एक माँ अपने बच्चे की बात को समझने के लिए किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। वो तो रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर पहचान जाती है कि बच्चा भूख से रो रहा है या सुसु करके रो रहा है। लेकिन बच्चों को अपने मन की बात कहने के लिए शायद आज भी माँ शब्दों की मोहताज है। अपने जीवन में इतने व्यस्त ना रहें कि जिन्होंने जीवन दिया उन्हीं के लिए वक्त ना हो।